पूजा प्रिया लाइव सीरीज के एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप सबको पौष मास की चतुर्थी पर पढ़ी जाने वाली व्रत कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले पौष मास में चतुर्थी का व्रत कर रहे व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात पौष गणेश चतुर्थी की यह कथा अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। इस दिन श्री गणेश के दर्शन और व्रत करने का बहुत अधिक महत्व होता है। पौष गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट हुआ और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त्य जी ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अभिमान हो जाने पर देव मनुष्य और असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह मैं दुखी हूँ, ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलस्त्य जी बोले, रावण तुम डरो नहीं, इस बंधन से हम तुम्हें जल्द ही मुक्त कर देंगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वित्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। जब पिता की आज्ञानुसार रावण ने भक्तिपूर्ण इस व्रत को किया और बंधन रहित हो गए, अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो भी पौष मास की चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही तमाम अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।